how I went from this to this. What I mean by this is कि ये सिर्फ एक physical glow up journey नहीं है, ये एक mental और lifestyle change की भी journey है. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. 2024 स्टार्ट हो गया है और मैंने सोचा कि कुछ नए के साथ ये साल शुरू करते हैं. आज के वीडियो में मैं अपनी सालों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टाइम है इसके बारे में बात करने का. सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द फिजिकल ग्लो अप, सेकंड इज द मेंटल ग्लो अप एंड थर्ड इज द लाइफस्टाइल ग्लो अप. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड रोल द इंट्रो. जब हम किसी इम्प्रूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं सबसे पहला ध्यान हमारा फिजिकल अपीयरेंस पे जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल ग्लो अप. आई अंडरस्टूड दैट क्लोथ्स रियली मैटर. मैं उन लोगों में से थी जो कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बट नाउ आई हैव फाउंड माई स्टाइल स्टेटमेंट. और मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू कर दिया है कि मैं घर पे भी अच्छे से ड्रेसअप होके रहूं. जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि जो मुझे डिस्कम्फर्ट दें. जैसे मैंने अपना कम्फर्ट ड्रेसेस में ढूंढ लिया है, बी इट दी नी लेंथ ड्रेसेस और दी लॉन्ग ड्रेसेस. कैसी भी ड्रेसेस जो मुझे कम्फर्टेबल रखें मैं उन्हें घर में पहनना पसंद करती हूँ. एंड इवन फॉर गोइंग आउट आई लाइक स्टिकिंग टू माई ड्रेसेस. घर पे क्योंकि हम कैसे भी बैठना चाहते हैं तो आई लाइक स्टिकिंग टू माई लॉन्ग ड्रेसेस एंड इवन फॉर नाइट टाइम आई लाइक स्टिकिंग टू माई स्मार्ट लुकिंग गाउन्स. मैंने पर्सनली ये सीखा है कि फेडेड कपड़े नहीं पहनने हैं, कपड़ों को आयरन करके पहनना है, लेट गो करना है पुराने कपड़ों को, उन्हें पकड़ के नहीं रखना है. पुराने जाएंगे तो नए आएंगे. नेक्स्ट थिंग इज हेयर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. नाउ यू आर लुकिंग एट मी राइट नाउ और मैं एक क्लिपिंग ऐड करना चाहूँगी कि जिसमें मैं आपको अपने स्टाइलिंग से पहले के बाल दिखाना चाहूँगी. क्योंकि मेरा वेवी हेयर है आई मेक श्योर कि जब भी मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो अपने बालों को स्टाइल करूँ, या तो स्ट्रेटन करूँ जैसे मैंने अभी किया हुआ है, या फिर मैं अपने बालों को वॉल्यूमाइज करूँ यूजिंग अ डिवाइस लाइक दिस विच इज़ अ वॉल्यूमाइजर. दिस वन इज़ फ्रॉम अगारो. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू जो अमेजोन पे रेगुलर आपके स्टाइलर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपके वेवी हेयर हैं दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू. सस्ते वाले हेयर स्टाइलर्स या वॉल्यूमाइजर्स में यहाँ पे वो कोटिंग नहीं होती है जो आपके हेयर को स्मूदन आउट करे और वो आफ्टर अ वाइल आपके बालों को फ्रिजी बनाती है. दिस ऑन द अदर हैंड कीप्स योर हेयर इंटैक्ट और ये आपके बालों को एक स्मूथ टेक्सचर देता है बिकॉज ऑफ द कोटिंग दैट इट हैज ओवर हियर. सो आई मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं हमेशा अपने बालों को स्टाइल करके बाहर निकलूं और अपने बालों की स्टाइलिंग को फॉर ग्रांटेड ना लूं अगर कभी भी बाहर जाना है. और अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ आई सिंपली टाई माई हेयर बिकॉज मेरे वेवी हेयर हैं तो मुझे पता है कि अभी घर पे शायद ठीक लग रहे होंगे, बाहर निकलूंगी हवा लगेगी तो मेरे बाल एकदम से यू नो फ्रिजी हो जाएंगे और बहुत ही बुरे दिखने लगेंगे. सो आई मेक श्योर अगर मैं स्टाइल नहीं कर पा रही हूँ तो आई पुट देम इन अ पोनीटेल. सो लुकिंग प्रेजेंटेबल एंड नीट is important for me. Next, I would like to share my nail journey with you. जब मैं दूसरे influencers को देखती थी, I mean, I was just a very simple nail paint person before college time तक. Most of the times, I was not a nail paint person. So, nail paint was not something which was important for me, और nail grooming was not that important for me. लेकिन बाद में मैंने सीखा कि nail grooming, हाथों की moisturization, cuticles को remove करना, dead skin को nails पे से remove करना और फिर उसके बाद nail paint लगाना is very important. Now this is where I talk about you finding yourself and finding comfort in it. मैं दूसरे influencers को देख के ये सोचती थी कि अरे they are putting on nail extensions, मुझे भी ये करने की ज़रूरत है. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि I need to find my own comfort with things. तो मैंने nail extensions, press on nails लगाना start कर दिया. मैं transparent वाले मंगाती थी. मेरे पास अभी भी एक drawer भर के stock रखा हुआ है जिसको मैं चाहूँ तो आज भी लगा सकती हूँ बट मैं नहीं लगाना चाहती हूँ. मैं I'll be very honest, लेकिन I need to prioritize. मेरे लिए nail extensions कराना is not, I'm not that comfortable in that thing क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ. प्रेस ऑन नेल्स भी जब मैं लगा रही थी नेल बेड में पेन होता था और मुझे घर के काम करने में दिक्कत होती थी. और मैंने डिसाइड किया कि I will be back to doing my nails the regular way. एंड राइट नाउ इफ़ यू सी मैं सिर्फ अपने नेल्स को एक शेप देती हूँ, अच्छे से फाइल करती हूँ, क्यूटिकल रिमूव करती हूँ और सिर्फ नेल पेंट लगा लेती हूँ. वट एवर अपील्स टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन आई मेक श्योर ऑफ वन थिंग दैट माई नेल पेंट इज नेवर चिप्ड। अगर मेरा नेल पेंट चिप होने लगता है थोड़ा सा भी ऊपर से, आई मेक श्योर आइदर मैं उसका एक और लेयर ऊपर से लगा लेती हूँ अगर मेरे को पूरा नेल पेंट चेंज करने का टाइम नहीं है तो, और व्हेन आई हैव टाइम मैं अपना नेल पेंट चेंज करती हूँ, या तो मैं लगाती हूँ या मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। आई कीप दैट वेरी क्लियर, बट राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज टू कीप माई हैंड्स लुकिंग ब्यूटिफुल एंड कीप माई नेल पेंट ऑन पॉइंट ऑल द टाइम। ये मैंने अपने लिए एक प्रायोरिटी सेट की है। तो अगर मुझे अपने काम में से एक घंटा फ्री मिल रहा है, घर के काम में से और YouTube के काम में से, आई मेक श्योर कि मैं उसी वक्त अपना नेल पेंट लगा लूँ। अनदर थिंग दैट रियली हेल्प्ड मी वॉज फिगरिंग आउट माई स्किन नीड्स। मेरी एक स्किन केयर की भी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी रही है जिसमें मैंने हमेशा ये सोचा कि ये सिरम यूज़ करके देखती हूँ, वो क्रीम यूज़ करके देखती हूँ, और इतना आउट ऑफ हैंड चला गया था सब कुछ कि मैं शायद 7-8 प्रोडक्ट्स का रूटीन फॉलो कर रही थी ऑन एन एवरी डे, और मैं महंगे प्रोडक्ट्स बाय कर रही थी। आई रिमेंबर बाइंग दी मोस्ट एक्सपेंसिव क्रीम विच वॉज 2500 रुपीज़ फॉर 50 grams एंड इट वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, लेकिन स्किन अच्छी नहीं हो रही थी। द प्रॉब्लम वॉज कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही थी उतनी ज़्यादा स्किन खराब होती जा रही थी, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्किन इश्यूज फेस नहीं किए थे। नो एक्नेज, नो पिम्पल्स एवर, टीनेज में भी नहीं। लेकिन अब आके आफ्टर प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा स्किन इश्यूज मुझे सच में स्ट्रेस और एंग्जाइटी देने लगा था, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा फेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी स्मूथ स्किन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वॉज लाइक आई नीड टू फिगर आउट ये हो क्या रहा है। सो देयर केम अ पॉइंट व्हेन आई स्टॉप्ड यूजिंग एवरीथिंग, और मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की दैट कोकोनट ऑयल, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, कोकोनट ऑयल वॉज ब्रेकिंग मी आउट। मेरा इस वक्त एक बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन है विच इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। दिस रूटीन फॉर बोथ द टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वर्क्स फॉर मी। मुझे उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना पड़ता है। आई कैन टॉक इन डेप्थ अबाउट इट इन सम अदर वीडियो इफ यू विल बी इंटरेस्टेड। कीपिंग इट सिंपल एंड नेचुरल इज द की। मेरे लिए फैंसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स वर्क नहीं करते हैं और मैंने उनकी डायरेक्शन में देखना भी बंद कर दिया है। ऑल्सो फॉर दैट रीजन मैंने कोलैबोरेशंस भी लेना बंद कर दिया है बिकॉज आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन माई स्किन एनी मोर, एंड दिस इज वेयर आई हैव प्रायोरिटाइज्ड मी and my skin and found out the needs of my skin care. अगली चीज़ जो मैंने realize की कि घर पे भी अच्छा दिखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर जाने के लिए अच्छा दिखना ज़रूरी है। ये चेंज मैंने लाया कि मैंने घर पे भी अच्छे ड्रेसेस पहनना स्टार्ट किया, और मेकअप मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कुकिंग कर रही होती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल खुले रहें तो झड़ें और खाने में जाएं, वो सब मैं नहीं चाहती। तो उसके लिए मैं बालों को बांध लेती हूँ और मैं या तो कोई लिप ग्लॉस या लिप टिंट जैसा कुछ लगा लेती हूँ या फिर कलर्ड लिप बाम लगा लेती हूँ जिससे कि फेस थोड़ा सा ब्राइटनड अप दिखे और उतना डल नहीं दिखाई दे, बिकॉज एक लिप्स पे भी थोड़ा सा कलर आ जाता है तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है और आपको फ्रेश दिखाता है। तो ये एक डिफरेंस मैंने अपने अंदर लाया है कि मैं घर पे भी अच्छा और यू नो पुट टुगेदर दिखने की पूरी कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय वेयरिंग नाइस क्लोथ्स एंड बाय पुटिंग ऑन अ लिप ग्लॉस और अ लिप बाम। नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज्ड वाज प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। एक टाइम बीच में आया था व्हेन आई गेव बर्थ टू माई सन, आई वॉज सो लेड बैक। लेड बैक इज द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, इनफैक्ट शायद सुनने में बहुत खराब लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा हेवाया हो गया था रूटीन आफ्टर माई सन्स बर्थ कि मैं कोम नहीं कर पा रही थी, मैं बॉडी लोशन नहीं लगा पा रही थी अपने लिए, मेरे को नहाने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलते थे। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी चीज़ें, और उस टाइम में मैंने ये कभी रियलाइज़ नहीं किया कि सेल्फ केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। विद टाइम मैंने जब उसको रियलाइज़ किया तो मैंने अपने रूटीन में उन चीज़ों को वापस लाया और मैंने अपने लिए एक सेल्फ केयर रूटीन और एक पैम्परिंग रूटीन क्रिएट किया जो कि धीरे धीरे ऑब्वियसली सिंप्लीफाई होता गया। उतना कॉम्प्लिकेट अब मैं चीज़ों को नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा एक शावर रूटीन है जिसमें कि आई मेक श्योर कि एटलीस्ट वीक में एक बार मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ बॉडी में। मैंने अपनी ग्रूमिंग को प्रायोरिटाइज कर लिया है और दूसरों के हाथों में रखने की बजाय अपने हाथों में ले लिया है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन सैलॉन्स एनी मोर। सो बी इट माई फेशियल हेयर रिमूवल और बी इट माई बॉडी हेयर रिमूवल, आई डू शेविंग फॉर एवरीथिंग। और उसी सेल्फ केयर की और सेल्फ लव की जर्नी में मैंने परफ्यूम्स बाय करना और कलेक्ट करना स्टार्ट किया था और आज आप देख रहे हैं कि ये चैनल एक परफ्यूम चैनल बन चुका है। वो एक सेल्फ केयर जर्नी का पार्ट था जो somehow magically worked for me। तो मैंने realize किया कि moisturization, smelling good and prioritizing your body and skin needs is very very important। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि अगर आपकी heels cracked हैं, आपकी फीट या लेग्स मॉइस्चराइज्ड नहीं हैं और ड्राई और लिप्स क्रैक्ड है, योर हेयर इज़ नॉट वेल कोम्ड, सो ये सब चीज़ें यू नो दे काइंड ऑफ It's a part of manifesting laziness in your life and manifesting the negative in your life. That's how I feel about it because in that time period I got very negative because मैं अपने पे ध्यान नहीं दे रही थी। और आज के टाइम पे मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैं अपने पे ध्यान दे रही हूँ, I am attracting a lot of positive and I'm staying positive and I'm staying happy. So prioritizing your self-care is very very important. Keep yourself and your self-care above everything else. How can we talk about physical glow up and not talk about makeup? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि स्क्रीन के लिए जो मेकअप किया जाता है या कैमरा के लिए जो मेकअप किया जाता है वो रियल लाइफ के मेकअप से बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि ये थिक लेयर्स होती हैं। यहाँ पे इतनी सारी 3 लाइट्स हैं मेरे सामने और बहुत सारी लाइट पेनिट्रेट करती है मेकअप के थ्रू, इसीलिए जब मेकअप स्क्रीन के लिए किया जाता है तो वो थिक लेयर्स में किया जाता है। यही अगर आप मुझे बाहर मिलेंगे तो मैं ऐसे नहीं दिखूँगी, मैं थोड़ी सी डिफरेंट लगूंगी क्योंकि शायद मैंने एक वेल लाइंड लिप के साथ लिपस्टिक नहीं लगाई होगी और एक थिक बेस नहीं दिया होगा अपने आप को। तो मिनिमलिस्टिक मेकअप इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। अगर आप कभी मुझे बाहर मिलेंगे तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं ऐसी दिखूंगी। मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ बाहर जाते हुए। मेरी प्रायोरिटी उस वक्त सिर्फ ये रहती है कि मुझे अपने फ्लॉज, जैसे मुझे अपने डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ, उनको सिर्फ थोड़ा सा कैमोफ्लॉज करना है। ऑनेस्टली रेस्ट ऑफ माई स्किन इज़ प्रिटी गुड और मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ इस एरिया में। जस्ट दैट मुझे डार्क सर्कल से अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें फिगर आउट की, मैंने अपना स्किन टोन रिकग्नाइज किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक पिक्चर भी दिखाना चाहूँगी कि अभी जो मैं पिक्चर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो मेकअप देख के बिल्कुल भी मेरा फेस ब्राइटन नहीं लग रहा है। एंड लेट्स कम बैक टू दिस मेकअप राइट नाउ दैट आई एम वेयरिंग, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक मेकअप है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। लेकिन स्किन टोन को रिकग्नाइज़ करना मुझे बहुत बाद में समझ में आया। मुझे पहले ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि मेरे स्किन टोन के साथ मुझे कलर्स कोऑर्डिनेट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे मेकअप लगाना है। ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में समझ में आई। सो अंडरस्टैंडिंग माई स्किन टोन एंड माई स्किन अंडर टोन्स That changed a lot in my makeup game। और आज के टाइम पे हिट एंड ट्रायल के साथ मुझे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ी क्योंकि हर फाउंडेशन का टेक्सचर मेरी स्किन के साथ नहीं जाता था। हर कंसीलर मेरे लिए उस तरह से उस कंसीलर का टेक्सचर या उसकी कवरेज मेरे लिए उस तरह से वर्क नहीं करती थी जैसे शायद किसी और इन्फ्लुएंसर के लिए वर्क करेगी। तो मैं डेफिनेटली इस बारे में डिटेल में बात कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फाइंड योर ओन कंफर्ट जोन अगेन इन मेकअप एज वेल। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं डिफरेंट लिपस्टिक्स लगा के, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस प्रोफेशन में हूँ कि मैं तैयार होती हूँ यूट्यूब के लिए, तो मैंने रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट किया कि कौन से कलर्स की लिपस्टिक्स मेरे फेस पे ज़्यादा सूट कर रही हैं एंड कौन सी नहीं कर रही हैं। तो मुझे ये समझ में आया पर्सनली, क्योंकि मेरी येलो अंडरटोन्ड स्किन है तो मेरी स्किन पे ब्राउन, ऑरेंज, पिंक बहुत अच्छा जाता है, बट समहाउ जस्ट अ फ्यू कलर्स ऑफ रेड, नॉट एवरी रेड गोज़ विद माई स्किन टोन। एंड ऑल्सो पर्पल इज़ वन कलर, द डल पर्पल कलर जो आजकल बहुत ट्रेंड में है और आई शेडो पैलेट्स में और लिपस्टिक्स में लाइक एक न्यूड पर्पल जो अंडरटोन होती है वो मेरी स्किन के साथ नहीं जाती है। सो आई स्टे अवे फ्रॉम इट। पिछले एक साल में आपने मुझे कोई भी पर्पल अंडरटोन वाली लिपस्टिक लगाते हुए नहीं देखा होगा। और पर्पल आई शेडो अनटिल एंड अनलेस वो एक ब्राइट पर्पल है जिसमें कि ब्लू के टोन्स हैं, अगर वैसा नहीं है तो मैं पर्पल डल आई शेडो भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे फेस को और मेरी स्किन को बहुत ही मडी दिखाता है। These were all the factors of the physical glow up. Let's move on to the mental glow up now. Physical glow up आप कितना ही कर लें, लेकिन जब तक mentally glow up नहीं होगा, एक mental self improvement नहीं होती है, वो confidence, वो सब चीज़ें सामने personality में भी नहीं दिखाई देती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने realize की was Not giving priority to social media. Social media एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको negative और positive दोनों तरह का content दिखाई देगा और आपको choose करना है अपने लिए कि आप किन लोगों को किन के साथ vibe कर पाते हो, किन लोगों के साथ relate कर पाते हो और किन्हें आपको follow करना है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को देख के दूसरों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ के लिए परेशान हो रहे हैं, मैंने ये चीज़ अपने बारे में सीखी। देयर वाज दिस टाइम, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं दूसरों की फेसबुक पोस्ट्स देखती थी, मुझे लगता था इतना प्यार, इतना रोमांस लोगों के बीच में ये कैसे हो रहा है। मैं नहीं कह रही कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है और सबकी लाइफ के अपने प्लस और माइनस हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू देयर वाज दिस पर्सन जिसको मुझे देख के लगता था यार इसके और इसके हस्बैंड के बीच में बहुत प्यार है, बट देन बाद में मुझे कुछ ऐसा पता चला कि हाउ मेस्ड अप हर लाइफ वाज ऑन द इनसाइड व्हेन शी टॉक टू मी, और मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आधी चीज़ें तो दिखाने के लिए ही हैं सोशल मीडिया पे। एंड दैट इज़ व्हेन सिंस दैट डे टिल दिस डे मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मैंने फेसबुक पे जाना और फेसबुक स्क्रॉल करना ही बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने ये चीज़ पकड़ ली है कि मैं परफ्यूम्स के पोस्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज आई कीप ऑन सेविंग दैम। सो Instagram for me right now is a very positive and productive place, but Facebook is not. Social media से validation seek करना तो आई थिंक वो चीज़ मुझ में कभी थी ही नहीं। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आज मैं फ़ोटो डाल रही हूँ इस पर इतने व्यूज़ आने चाहिए। आई एम पोस्टिंग माई पिक्चर्स फॉर माई ओन डॉक्यूमेंटेशन कि मैं आज से 1 साल पहले ऐसी दिख रही थी, अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ। सो दैट improvement in my own self, it shows through my profile grid from that point of view, not for the sake of seeking validation or getting high number of likes. वो मेरा aim नहीं है, मेरा base YouTube है। The next thing that I automatically did was finding my interests and working on my hobbies, and this kind of came naturally to me. मुझे इसके लिए effort नहीं करना पड़ा और सोचना नहीं पड़ा। When I got married, उससे पहले मैं कह सकती हूँ कि I was the person जो कि parties करने में और outings करने में बहुत ज़्यादा involved थी। शादी होने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे वो अकेला time काटने के लिए ना अपने आप ही मैंने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पीरियड में मैंने अपनी मेकअप स्किल्स पे वर्क किया, मेकअप प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, ट्यूटोरियल्स देख देख के। नेल आर्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ आर्ट कॉलेज एज एन अ फाइन आर्ट कॉलेज। तो ब्रशेस चलाना, पेंट्स के साथ वर्क करना, वो सब तो मुझे नेचुरली आता ही था। तो मैंने नेल आर्ट भी करना स्टार्ट किया एंड देन आई फाइनली गॉट इनटू पेपर क्राफ्ट्स। I have developed this routine for myself. एक तो music सुनते हुए, I love music. Music is like food to my soul. मुझे अपना music सुनना और उस music के combination में अपनी paper crafts करना बहुत ज़्यादा पसंद है। For me, music plus paper crafts is equal to bliss. Started from his first birthday, लेकिन आज दिन तक मैं अपने हाथ से paper crafts बना के और पूरी एक wall decorate करती हूँ, एक theme decide करती हूँ उसके birthday के लिए, and that just gives me happiness. मैं हर वक्त उस चीज़ को नहीं कर पाती हूँ, here and there कर लेती हूँ। जैसे घर के लिए कुछ decoration बनाने का मन है तो मैं बना लूँगी, या walls के लिए कोई decoration बना लूँगी, या फिर डोर के लिए मैंने कुछ क्राफ्ट बनाया। आई पुट दोज क्लिपिंग्स इन बिटवीन जो भी मैं काम करती हूँ। मैंने कमर्शियली भी उसको बीच में सेल किया और सक्सेसफुली मेरा काम चल भी पड़ा था, लेकिन पेपर क्राफ्ट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम और मेरा यूट्यूब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, तो इसीलिए आई हैड टू स्टॉप इट। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँगी कि ग्रैटिट्यूड से वेल वर्स्ड मैं साल भर पहले ही हुई हूँ। आई डिडंट नो मच अबाउट ग्रैटिट्यूड बिफोर, लेकिन जब मैंने एक थैंकफुलनेस अपने अंदर लाई है चीज़ों को लेके। मेरी लाइफ बहुत, मैं कह सकती हूँ, बहुत पॉजिटिव हो गई है, मैं बहुत शांत हो गई हूँ और ग्रैटिट्यूड मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत ग्राउंडेड रखता है। आई बिलीव इन द लॉर्ड शिवा एंड आई ऑल्सो सी हिम एज अ डिवाइन पावर। तो मेरा जो ये बिलीफ सिस्टम है उसके साथ मैंने ग्रैटिट्यूड को मिक्स किया, बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे उस चीज़ से मिली। अगर आप ग्रैटिट्यूड के बारे में डेप्थ में जानना चाहोगे तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू रीड द मैजिक। सो दिस इज़ द बुक आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। दिस इज़ अ bookmark that I made and yep, that's how I keep on going with my love for paper crafts. A very important thing that I did was leaving behind toxic people and also if cannot leave behind, distancing myself from them. मुझे बहुत देर से कुछ लोगों के बारे में realization हुआ और मुझे लगा कि this is a toxic place to be in and these are the toxic people to involve with. आज के टाइम पे अगर वो कोई बहुत क्लोज रिलेटिव भी है, मैं बहुत ब्रूटली इस बात को कहती हूँ कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी पे रखती हूँ। आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम और इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने दिमाग की शांति के लिए टॉक्सिक लोगों को दूर हटाना या टॉक्सिक फ्रेंड्स को दूर हटाना बहुत जरूरी है। सो आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम इन अ वेरी पीसफुल प्लेस। लाइक इन छोटी छोटी चीज़ों से ना मैं बहुत पीसफुल माइंडसेट में जाती जा रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि सेल्फ ग्रोथ की जर्नी तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आई थिंक आई विल जस्ट कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ फॉर एवर। एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड वॉज आई स्टॉप्ड ओवर थिंकिंग। ओवरथिंकिंग मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ कि मैं ओवरथिंकिंग और ओवर प्लानिंग क्वीन हूँ। बट फ्रॉम पास्ट 1 month आई हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलिंग माई सेल्फ कि प्रथा स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग से ओवरकम करना इतना भी आसान नहीं था मेरे लिए। डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिसेस लाइफ में लानी पड़ी उसके लिए। आई गॉट इनटू मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। सो देयर इज एवरी काइंड ऑफ वीडियो दैट यू कैन फाइंड ऑन गाइडेड मेडिटेशन ऑन यूट्यूब और एज वेल एज ऑन स्पॉटिफाई। ओवरली एक्टिव हो जाता है मेरा ब्रेन किसी किसी टॉपिक को लेके या बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। सो दैट इज व्हेन आई गेट इनटू मेडिटेटिंग एंड दैट रियली हेल्प्स मी sleep well. दूसरी चीज ओवरथिंकिंग का एक और रीजन होता है पीपल, अदर पीपल इन लाइफ। लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की, मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। I have stopped victimizing myself and I have started detaching myself. वो अगर कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। मुझे अपने थॉट्स को इस टॉपिक पे वेस्ट नहीं करना है। आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट समथिंग पॉजिटिव राइट नाउ। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ उस चीज़ से कि अगेन फिर वो एंक्शसनेस होती थी और फिर स्ट्रेस होता था और फिर उस स्ट्रेस से आई वॉज गेटिंग क्रैंकी, आई वॉज गेटिंग स्नैपी। तो ये चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं मेरे अंदर और आई थिंक ये सबके साथ ही होता है, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। सबके साथ एक वो वल्नरेबल स्टेज आती है जब चीजें आपके दिमाग पे बहुत हावी हो जाती हैं और वो फिर कहीं ना कहीं निकलती हैं। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से अब समझ ली है और थोड़ी सी डिटैचमेंट की तरफ मैं चल पड़ी हूँ जिससे कि मुझे बहुत हेल्प हो रही है ये स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में। एंड नाउ वी आर ऑन टू दी लास्ट चैप्टर ऑफ द वीडियो विच इज दी लाइफस्टाइल चेंज। जैसे कि मैंने फिजिकल ग्लो अप के चैप्टर में भी इस बारे में बात की थी कि पैम्परिंग योर सेल्फ, पैम्परिंग योर सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक ऐसा लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें कि आप अपने ब्रेन को और अपने आप को बताते हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे अच्छे बॉडी केयर में इन्वेस्ट करना, अच्छे फ्रेग्रेंसेस वाली बॉडी क्रीम्स में या शावर जेल्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। शायद किसी और के लिए वो सैलून जाना हो सकता है, मैनिक्योर पेडिक्योर कराना या स्पा जाना हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी अबाउट रीडिंग बुक्स, द काइंड ऑफ बुक्स दैट यू वॉन्ट टू रीड। नॉट बिकॉज सारी दुनिया सेल्फ हेल्प पढ़ रही है डज नॉट मीन आपको भी सेल्फ हेल्प पढ़ना है। अगर आपको फिक्शन पढ़ के, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ के अच्छा लगता है, गो for that. I love investing in my candles. So मैं अपने बेड साइड टेबल पर एक कैंडल जला लेती हूँ, मुझे उससे अच्छा लगता है, मुझे उससे थोड़ा सा बूजी फील होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को पैम्पर करने के लिए मैं करती हूँ। जैसे I have made this lifestyle change in my house कि मैं स्टील के बर्तन घर में नहीं खरीदूँगी। मेरे कुकिंग बर्तन स्टेनलेस स्टील के हैं लेकिन मैं क्रॉकरी में ही खाना खाती हूँ एंड दैट हैज़ बिकम माई एवरी डे लाइफ नाउ। हम लोगों को लाइक मी, माई सन, माई हजबेंड, वी हैव गॉट सो यूज टू ईटिंग इन क्रॉकरी बिकॉज आई लाइक टू गिव माई सेल्फ दैट स्पेशल ट्रीटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी रखनी चाहिए। Another thing that I recently did was outsourcing my work. हुआ क्या कि कोविड के टाइम पे आपको पता ही है कि मेड्स छूट गई थी और सब हो गया था। उस ड्यूरेशन में आफ्टर द लॉकडाउन मैंने एक डिश वॉशर और एक क्लीनिंग रोबोट परचेज किया। अब हुआ क्या कि मैंने ये चीज़ें ले तो ली, लेकिन मैं एक जाल में फंस गई क्योंकि डिश वॉशर अपने आप तो काम नहीं करेगा, उसमें बर्तन लगाने भी पड़ेंगे धोने के लिए। सुनने में ऐसा लगता है कि 5-5 मिनट के काम है, लेकिन इट लिटरली वॉज टेकिंग माई इंटायर मॉर्निंग। मैं दिन के 1 बजे तक सिर्फ खाना बनाना, डिश वॉशर लगाना और रोबो चलाना कर रही थी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत स्ट्रेसफुल होना शुरू हो गया था एंड दैट इज़ व्हेन आई सैट वन डे एंड थॉट अबाउट इट। अब मैंने इन सब चीज़ों में इतना इन्वेस्ट कर लिया है, हाउ डू आई टेल माई हस्बैंड नाउ कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस एंड आई वांट to go back to having a maid again, and I think that was the best decision I took for myself, and also asking for help is what I would like to add in it. जब मुझे ये लगता है कि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है या मैं नहीं कर सकती हूँ, I seek for help, I ask my family for help. मेरा स्ट्रेस कम होता है और मैंने ये गिल्ट अपने अंदर से कम करना शुरू कर दिया कि अरे ये काम मुझे करना चाहिए था और देखो मैं नहीं कर पा रही हूँ और मैंने उनको करने के लिए बोल दिया है। मैंने इस गिल्ट से थोड़ा सा बाहर आना शुरू कर दिया है और मेरे स्ट्रेस लेवल्स उससे काफ़ी कम हो रहे हैं धीरे धीरे। आउटसोर्सिंग माई वर्क, हायरिंग अ मेड इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई डिड लास्ट ईयर और मेरा काम बहुत आसान हो गया है उससे। काफ़ी स्मूथली आज के टाइम पे मैं अपने यूट्यूब का काम कर पाती हूँ। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर मेरा घर साफ नहीं है, सेट नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे स्ट्रेस होता है, मेरा दिमाग क्लटर होना शुरू हो जाता है और मैं इतना ज़्यादा उस अपसेट घर को देख के खुद इतनी अपसेट हो जाती हूँ कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि अब मैं ये काम करूँ कि वो काम करूँ। बेसिकली इट डिस्टर्ब्स मी। तो ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उठूँ। अगर मैं दिन में 4 बार भी बेड में लेट रही हूँ और मैं ब्लैंकेट ओढ़ रही हूँ, तो अगर मैं 4 बार भी उठ के जाऊँगी तो मैं उस ब्लैंकेट को सेट करके जाऊँगी बेड पे, सो दैट व्हेन आई कम बैक अगेन इन द रूम तो मेरा रूम एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे। सो दोज आर माई प्रायोरिटीज़, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सराउंडिंग्स जितनी ज़्यादा डीक्लटर्ड रहेंगी उतना ही मेरा ब्रेन डीक्लटर्ड रहेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी एंड इट रियली गिव्स मी अ पीसफुल space to work in, to think and to survive, and that eventually reduces stress and anxiety in me because my surroundings and are clean and I like it that way. तो ये थी मेरी आज तक की glow up journey, क्या क्या changes मैंने अपने अंदर लाए to become the person that I am right now. I hope you really liked and enjoyed this video. मुझे अपने thoughts और अपना experience इस video को देखने के बाद आपको कैसा लगा please बताना comment section में because I'm even I am like a little nervous. मैं first time ऐसा content कर रही हूँ. I was just like I wanted to connect with you guys a little more personal life को लेके and the person that I am, and I really hope कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे and you give a great kick start to your year of 2024, and I wish the same for myself as well. If you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. Don't forget to subscribe. Keep looking beautiful. Have a great day all. Bye bye. Mwah.